जय माता दी। मेरी यूट्यूब चैनल सपनों की सच में आपका स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और माता रानी की दया दृष्टि, उनका प्यार आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। आज बात करेंगे, अगर कोई व्यक्ति सपने में, जैसा कि थंबनेल में बताया गया है, तो इस तरह के सपने देखता है तो ये सपने क्या संकेत देते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति सपने में उगता हुआ सूरज देखता है तो दोस्तों इस तरह का सपना आपके जीवन में बहुत ही शुभ सपना माना जाता है। ये आपके उज्जवल भविष्य की ओर संकेत देता है और ये सपना संकेत देता है कि अब आपके जो भी रुके हुए काम थे वे सब बनते चले जाएंगे और आपके जीवन में इच्छाओं को पूरा होने की ओर भी संकेत करता है। बहुत ही शुभ सपना है। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति सपने में तेज़ धूप देखता है तो यह सपना भी बहुत ही शुभ होता है। यह सपना आपके जीवन में तरक्की की ओर संकेत देता है। और अगर कोई व्यक्ति सपने में सफ़ेद घोड़ा या बैल देखता है तो यह सपना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सपना आपके जीवन में खुशखबरी की ओर संकेत देता है। या इसके अलावा यह भी संकेत देता है, अगर आप नौकरी की चाह रखते हो तो बहुत जल्दी अब आपकी नौकरी लग सकती है। और अगर कोई व्यक्ति सपने में देखता है खुद को किसी प्रतियोगिता में जीत हासिल करते हुए देखता है तो यह सपना भी बहुत ही शुभ होता है। यह सपना संकेत देता है कि आपको कोई बहुत बड़ा पद मिलने वाला है और यह सपना आपके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति सपने में खिलते हुए फूलों को देखता है तो यह सपना भी बहुत ही शुभ होता है। यह सपना संकेत देता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में इतनी सारी खुशियां होंगी कि आपको, मतलब कि कहते हैं ना, कंट्रोल नहीं हो पाएगी। बहुत सारी या ढेर सारी खुशियों की ओर संकेत देता है अगर सपने में कोई व्यक्ति फूल देखता है। और अगर कोई व्यक्ति सपने में खुद को ताज पहनते हुए देखता है तो दोस्तों यह सपना भी बहुत ही शुभ होता है। तो ये सपने मैंने कुछ ऐसे बताए हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ वैसे इस चीज़ के लिए कि कभी भी अच्छे सपने किसी को बताने नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छे सपने बताने से उनका लाभ कम हो जाता है। और अगर आप बता नहीं चाहते हैं, आपके पेट में नहीं रुक पा रहे हैं, तो आप भगवान के आगे बता सकते हैं। सुबह के जैसे आप सपने देखते हो तो तुलसी माता के आगे बता दें, तो इस तरह के सपने बहुत ही अच्छा फल देते हैं। और कोशिश करें किसी को ना बताएं, सिर्फ भगवान के आगे अपने सपने को रखें या फिर तुलसी माता के आगे। और सच में इन सपनों का बहुत ही शुभ फल होता है। और सपनों से जुड़े कुछ ना ऐसे याद ना रहे हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, और जिसका पहले कमेंट आता है तो उसका मैं कम्युनिटी में ज़रूर डालूंगी, अच्छा लगता है। तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, तो पहला कमेंट अच्छा लगता है कि कम्युनिटी में डालना। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। जय माता दी।